हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फॉर अ मेटालिक कंडक्टर द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस आर विद टेम्परेचर टी एस. सो बेसिकली हम लोग को क्या बताना है इन ग्राफ्स में से कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर क्या होएगा. सो लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन. की कॉन्सेप्ट, सो की कॉन्सेप्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन, बेसिकली रिलेशन बिटवीन resistance and temperature, resistance and temperature, how temperature and resistance are related to each other. ठीक है, तो इसमें होता क्या है ना कि जो resistance R होता है, यहाँ पे अगर मैं resistance R लिखूँ, it is somehow represented as in terms of 1 plus alpha T plus alpha, यहाँ पे beta आ जाएगा कोई और constant, यहाँ पे alpha and beta constants, beta T square. यहाँ पे T क्या है, T is temperature. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स एंड आर नॉट ऑल्सो, आर नॉट भी कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट्स एंड टी इज टेम्परेचर, टेम्परेचर. ठीक है, टी टेम्परेचर है, मैं यहाँ ठीक से लिख देता हूँ, टी इज टेम्परेचर. ऑल राइट, तो ये रिलेशन होता है, ये परफेक्ट रिलेशन होता है. हम लोग इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस और टेम्परेचर को. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. अब हम लोग देख सकते हैं कि जो ये रिलेशन है ना, ये आर है और टेम्परेचर टी है, ये पूरा चीज़ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है. यहाँ पे मतलब बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर है, मैक्सिमम हाइएस्ट पावर तो टू है ना, तो ये क्वाड्रेटिक यहाँ पे इक्वेशन जैसा आ गया. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आर इज बेसिकली आर नॉट वन प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वेयर रिप्रेजेंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट्स अ टू डिग्री इक्वेशन, सेकेंड डिग्री इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है. तो हम लोग को पता है जैसे y इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर होएगा, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, इट इज समवट लाइक दिस. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है. तो और भी जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं ना, वो उनका ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा कर्व जाके कि यहाँ से कर्व हो रहा है दोनों. ऑल राइट, तो ये भी वैसा ही है कुछ. सो फ्रॉम द ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, बी भी नहीं होने वाला, ये भी स्ट्रेट लाइन है, सी में नीचे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी नहीं होएगा. एंड डी इज द मोस्ट करेक्ट या अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि हम लोग सी में देख सकते हैं कि सी में जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस तो कम हो जा रहा है. एंड एट सम पॉइंट जब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो रेजिस्टेंस जीरो ही हो गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है सी वाला केस. बट डी वाला इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, सो वी कैन राइट यहाँ पे ग्राफ डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफ, मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट ग्राफ ऑफ आर वर्सेस टी, ऑफ आर वर्सेस टी, वेर आर इज रेजिस्टेंस एंड टी इज टेम्परेचर. सो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आंसर इज ऑप्शन डी. ऑल राइट, सो डी इज द करेक्ट वन. आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा. थैंक यू.